ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਦ ਭਾਈ ਜਾਨ सियालकोट सुपर स्टार ग्रुप में ये इंजीनियर है, मैं हूँ आपका होस्ट राशिद बाजवा, मोटिवेशनल स्पीकर, और ये है हमारे कैमरा मैन असगर अली फ्रॉम चुरिंडा। समोसे हम खरीदने लगे हैं इधर, बल्कि खरीद लिए हमें, पैसे दे दिए उनको, तो अभी समोसे में मिलते हैं, फिर हम आपको बड़ी अच्छी एक साइट, आज की वीडियो का हमारा मकसद है कि आपको एक अच्छी साइट दिखाएँ कि कहाँ बैठ के समोसे खाने चाहिए, कहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, गर्मी का मौसम है, धूप निकली हुई या पसीना आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत, चले हम जा रहे हैं, निकले हुए हैं, हम साइड ढूंढ रहे हैं कि किधर हम बैठ के हमारे लिए हमारे साहब हैं जो इंजीनियर हैं, तो उन्होंने इशारा किया कि लेफ्ट साइड पर मिलते हैं, तो ये इधर आप देख रहे हैं कि ये छोटी सी एक ग्राउंड है, इधर बच्चे लड़के जो हैं सैलाब वगैरह आ जाए तो उस फसलों को या देहात को ये बचाता है। वैसे भी ये बॉर्डर एरिया तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर इधर से बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है सॉरी, तो इंडिया का इलाका होते ना, 1965 में इंडिया ने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो चुविंडा के पास में 500 टैंक लेके आ गया था इंडिया, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये जो ये सारा ये मामला है, इधर ऊपर फौज लग जाती है, फौज इसको बड़ी अच्छी से अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। आ जाए जी, ये जी ऊपर दरख्त है, बड़ा अच्छा बेहतरीन माहौल है, गंदम की कटाई हो रही है इर्द गिर्द और साथ में पकी हुई है गंदम, तो इधर बैठ के खाने का अपना ही मज़ा होता है। किसी भी फाइव स्टार होटल से और उसके एसी वाले कमरे में बैठने से बेहतर है कि यहाँ फ्रेश बेहतरीन माहौल में आप बैठें। सही है, काम तो माड़ा ही है। ये जी समोसे हैं, हमारा पंजाब का समय लेंगे एक बेहतरीन खाना है। ये रमज़ान में हम लोग समोसों से इफ्तारी करते हैं, खजूर समोसा पकोड़े और सिकंजवी होती है, या साथ में लस्सी वगैरह का हम इहतमाम करते हैं। आगे चार दिन के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, तो यही चीज़ें चल रही हैं हमारे इधर। समोसों के पैसे ना हुए तो वो दूध में पानी शानी वगैरह डाल के, नमक डाल के, तो कच्ची लस्सी बना के हम पी लिया करेंगे। चलेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।